नमस्कार, सत श्री अकाल, आदाब, स्वागत है आप लोगों का फिर से एक और नए वीडियो में। बहुत दिनों से ये लाइन मैंने नहीं बोली थी, पता नहीं कि मैंने किसी यूट्यूबर को सुन लिया था ये बोलते हुए, उसके बाद मैंने बोलना ही छोड़ दिया था। लेकिन फिर भी ये भी लाइन जब भी नहीं बोलते ना, वीडियो खोलने का एकदम मज़ा नहीं आता। तो अभी हम लोग यहाँ पर हैं, आप लोग पीछे देख कर अंदाज़ा लगा सकते होगे और यहाँ पर इस ब्यूटीफुल से स्टैचू को भी देख कर पता लगा सकते होगे। अभी हम लोग हैं मत्स्य गंधा के बगल में, और उस दिन मैंने आप लोगों को बताया था कि मत्स्य गंधा लेक जो है, मत्स्य गंधा झील जो है, वो बहुत बड़ी एकदम ऑक्सबो लेक है। तो आज हम लोग उसी का पूरा रोटेशन करेंगे, यहाँ से स्टार्टिंग, यहाँ से हम लोग शुरू करेंगे और जहाँ तक ये जाएगी वहाँ तक जाएंगे और देखेंगे कहाँ कहाँ पानी है, कहाँ कहाँ काम हुआ है, क्या क्या नहीं हुआ है, वो सब जानने के लिए हमारे इस वीडियो में बने रहिए। अगर तब तक आप लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, लाइक कर दीजिएगा, उससे हम लोगों को थोड़ा प्रोत्साहन मिलेगा। बहुत ज़्यादा हिंदी हो गया, थोड़ा कॉन्फिडेंस बढ़ेगा, तो इसलिए वो भी कर दीजिए और वीडियो को शेयर कर दीजिए फटाफट, क्योंकि व्यूज़ आता है तभी वीडियो बनाने में मज़ा आता है। तो अभी इस स्टैचू को दिमाग में रखते हुए, लेकिन बहुत अच्छा स्टैचू, इधर मैं बहुत बार नहीं आया हूँ क्योंकि इधर बुद्धा पब्लिक स्कूल वाला रास्ता है, वहाँ पर आप लोग स्कूल भी देख रहे होंगे। ये मेरा स्कूल नहीं था और हम लोगों का जब एग्ज़ाम हुआ था ना तो इसके अंदर पानी नहीं था, हम लोग वहाँ से चल के जाते थे। तो ये स्टैचू मैंने पहली बार देखी, बहुत अच्छा स्टैचू है। तो चलिए यहाँ से आगे बढ़ते हैं। अब हम लोग वहाँ से शुरुआत किए थे जहाँ से इसका शुरुआत होता है, और आप लोगों को बताया था कि जहाँ तक काम हुआ रहेगा वहाँ तक दिखाएंगे। तो अभी वहाँ से आप लोगों को दिख भी नहीं रहा होगा, वहाँ पे एंड है, वहाँ पे ब्लू कलर का जो घर दिख रहा है वहाँ पे लगभग एंड है उसका। और वहाँ से शुरू करने के बाद हम लोग यहाँ तक आए और यहाँ पर आ के ये ख़त्म हो रहा है। लेकिन मैंने बताया था आप लोगों को ये ऑक्सबो है, यहाँ से घूमेगा, तो वो यहाँ पर नहीं दिख रहा है घूमता हुआ। तो उस पर रितेश कह रहा है कि नहीं घूमने वाला है, ये ऐसा ही सिंपल सा लेक है, लेकिन मैं अभी आप लोगों को दिखाने वाला हूँ कि ये घूमेगा। और यहाँ पर जो आप लोग देख रहे हैं ढेर सारी गाड़ियाँ, ये ट्रैक्टर वगैरह बेसिकली इसी के काम में लगे हुए हैं। वहाँ पर भैंस वगैरह एकदम आराम से चिल कर रही है, और कल से तो सहरसा में लॉकडाउन भी लगने वाला है, बड़ी बुरी खबर है। तो अभी हम लोग आगे चलते हैं और आप लोगों को दिखाते हैं कि ये सच में ऑक्सबो है या नहीं। एकदम सीधे में आ गए हैं मत्स्य गंधा के रास्ते में। जब इसका मतलब हुआ था, इसके उसको थोड़ा पर्यटक स्थल बनाने का कोशिश किया गया था 1997 में, तो उसी में वहाँ पे बीच में फवारे वगैरह लगाए गए थे और सड़कों पर ढेर सारे स्टैचूज वगैरह भी लगाए गए थे। लेकिन उसके बाद ये भी किया गया कि नेचुरल मत्स्य गंधा जो थी उसको मार दिया गया। लगभग नेचुरल झील जो होता है, कोई भी झील है तो बहुत बड़ा झील है तो उसे इंसान नहीं बनाते हैं जल्दी। ये नेचुरल झील था, यहाँ से आप लोग देख रहे हैं वहाँ से शुरू हुआ था, वहाँ पे सहरसा सुपौल वाला रेलवे लाइन वहाँ से शुरू हुआ था। और उसके बाद यहाँ से आने के बाद यहाँ पे हुआ क्या कि यहाँ पे सड़क का निर्माण हो गया, रोड बन गया, और रोड बनने के बाद यहाँ पे नहर बन गया। तो लोगों को लगता है क्या कि मत्स्य गंधा बस यहीं तक है, मत्स्य गंधा इससे आगे नहीं गई है। लेकिन जब आप मैप देखेंगे, मैं अभी आपको यहाँ पे एक पिक्चर दूंगा, यहाँ पे जो आप देख रहे हैं तो यहाँ पे लाल रंग से मैंने डूडल बनाया है वो है, और एक फ्रेश इमेज भी आप देता हूँ। ये देखिए यहाँ पे एक फ्रेश इमेज है, वहाँ पे आप देख सकते होंगे कि उतना दूर पानी है। और अगर आप वहाँ पे थोड़ा जूम करेंगे तो आप लोगों को पता चलेगा कि वहाँ पे कोई भी स्ट्रक्चर था कुछ सालों पहले, जिसको कि 20-30 साल पहले इंसानों ने बर्बाद कर दिया। यहाँ पे सड़क बना के इस पूरे ऑक्सबो लेक को एक सिंपल सा रेक्टेंगुलर लेक बना दिया गया है। और अगर आप यहाँ से गौर करेंगे, गौर फरमाएंगे, तो यहाँ से आप लोगों को दिखेगा कि ये झील आगे से जाने के बाद उधर टर्न ले रही है। तो उसके लिए मैं पहले आपको जूम करके दिखाता हूँ। वहाँ पे आप लोग देख रहे होंगे बिजली के जो पोल है, बिजली के तार, क्योंकि वो यहाँ को जो इसको जो टूरिस्ट प्लेस बनाया जा रहा था उससे पहले बिजली के खंभे लग चुके थे, और रेलवे लाइन भी उससे बहुत साल पहले से है। रेलवे लाइन तो
लगभग 1916-17 से है, लेकिन ये बिजली के खंभे भी कभी के हैं ना तो 1997 के बाद के ही है ये बिजली के खंभे। और इसको आप लोग देख सकते हैं साइड साइड से ले जाके उधर घुमाया गया है। तो पहला तो ये प्रूफ मिलता है यहाँ से देखने के बाद कि यहाँ से झील निकली। और यहाँ पे आप देख रहे होंगे एक और प्रूफ है कि यहाँ पे पानी देख रहे होंगे, लेकिन यहाँ पे आप थोड़ा खेत वगैरह हो गया तो खेती होती है, लेकिन आप लोग उस तरफ देखिए और इस तरफ देखिए, आपको दोनों तरफ ऊंचा दिखेगा, लेकिन यहाँ बीच में गहरा क्यों है, क्योंकि यहाँ पे बहुत साल पहले यहाँ पे भी पानी हुआ करता था मत्स्य गंधा का, लेकिन उसके बाद यहाँ पे रोड बन गया तो यहाँ पे ब्लॉक हो गया। अभी हम लोग पूरा नहीं जा पाएंगे क्योंकि ये जो है ना इसका तेल ख़त्म हो गया पेट्रोल, तो अब हम लोग को जाना पड़ेगा पेट्रोल लेने के लिए। सॉरी गाइस, इसका मैं एक दूसरा पार्ट बनाऊंगा, क्योंकि जब मैं यहाँ आ रहा था मुझे नहीं लगा था ये इतना लंबा हो जाएगा, क्योंकि इसका अगर पूरा हम लोग लगाएंगे चक्कर तो लगभग 10 किलोमीटर हो जाएगा, तो उतना अभी पेट्रोल नहीं हमारे पास। तो अभी हम लोग उधर जाएंगे वापस सहरसा, फिर आप लोग से मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक के लिए वीडियो को लाइक करिएगा, शेयर करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, और ऐसे ऐसे वीडियोज़ अपने फ्रेंड्स फैमिली मेम्बर्स और आसपास रिलेटिव्स और नेबरहुड में रहने वाले लोगों को शेयर करिएगा।